A short informative video on locomotive H-type tight block coupler and its coupling with CBC rake or screw coupling rake. लोकोमोटिव एच टाइप टाइट लॉक कपलर को ICF स्क्रू कपलिंग रेक या सीबीसी रेक के साथ अटैच करते वक्त किन बातों का ध्यान रखना है ये देखेंगे। सबसे पहले मैं इसके कुछ पार्ट्स के बारे में बताना चाहूंगा। क्लेविस ट्रांसमिशन स्क्रू कपलिंग, मेल पार्ट, डकल, डकल टेल एंड फीमेल पार्ट। क्लोज कंडीशन में इसका लॉक नीचे आ जाता है और रोटरी लॉक लिफ्ट असेंबली का रिप वर्टिकल कंडीशन में हो जाता है। यहाँ पर एक टेलटेल होल भी है, टेलटेल स्लॉट, ये एकदम सी थ्रू होना चाहिए। कुछ शेड ने एक मॉडिफिकेशन किया है लॉकिंग पिन का, बटवा शेड ने भी किया है, जो कि लॉक कंडीशन में इस तरीके से लग जाती है और ऑपरेटिंग हैंडल से ऑपरेट करने पर भी कपलर नहीं खुलता। अब हम जानेंगे लोकोमोटिव एच टाइप टाइट लॉक कपलर और सीबीसी फिटेड रेक के बीच की कपलिंग के बारे में। रेक की प्लेटफॉर्म पर बर्थिंग होने के बाद शुरू के 5 कोचेस पर हैंड ब्रेक लगा होना सुनिश्चित करें। लोकोमोटिव को फर्स्ट कोच से 20 मीटर डिस्टेंस पर रोकने के बाद स्लोली मूव करते हुए फिर 3 मीटर डिस्टेंस पर रोकें। फर्स्ट कोच से जब लोकोमोटिव करीब 3 मीटर डिस्टेंस पर खड़ा हो तो दोनों कपलर के नकल्स को आपस में हॉरिजॉन्टली अलाइन करें और फर्स्ट कोच के सीबीसी नकल को नॉर्मली क्लोज्ड रखें और ये सुनिश्चित करें कि वो ढंग से क्लोज्ड हो। लोको सीबीसी नकल को अनलॉक्ड कंडीशन में रखें और उसे ओपन रखें। अब लोकोमोटिव को फर्स्ट कोच से कपल करने हेतु बड़े ही ध्यानपूर्वक लोकोमोटिव को 2 या 3 किलोमीटर पर आर की स्पीड से कोच की तरफ लाएं। आइए देखें कि कपलर की प्रॉपर लॉकिंग सुनिश्चित करने हेतु किन आवश्यक बातों का ध्यान रखें। लॉक्ड कंडीशन में सुनिश्चित करें कि रोटरी लॉक लिफ्टर रिब जो कि येलो पेंटेड है ये एकदम वर्टिकल हो और टेलटेल होल या स्लॉट ये एकदम क्लियर हो। इस बात का ध्यान रखें कि कपलर के इंटरनल पार्ट्स जैसे कि लॉक, रोटरी लॉक लिफ्टर या नकल पर कोई ऑयल या ग्रीस ना हो। जिन लोकोज में लॉकिंग पिन का प्रावधान है उसमें कपलर लॉक करने के बाद लॉकिंग पिन लगाना सुनिश्चित करें अथवा मैनुअल अनकपलिंग डिवाइस का लॉक होना भी सुनिश्चित करें। लोकोमोटिव और रेक के बीच के अन्य कनेक्शन जैसे कि बीपीएफटी को सुनिश्चित करें अथवा कोचेस में लगे हैंडब्रेक को रिलीज करना और स्किड्स को रिमूव करना भी सुनिश्चित करें। अब हम जानेंगे लोकोमोटिव एच टाइप टाइट लॉक कपलर और स्क्रू कपलिंग फिटेड रेक की कपलिंग के बारे में। लोकोमोटिव को स्क्रू कपलिंग मोड में यूज करते वक्त यह ध्यान दें कि जब नकल और क्लेविस को लॉक कर रहे हो तो स्क्रू कपलिंग हॉरिजॉन्टल पोजीशन में हो। साथ ही हुक में डी शैकल लगाने के बाद स्क्रू को ट्रांजिशन स्क्रू कपलिंग हैंडल की हेल्प से टाइट करें व प्रॉपर टाइटनेस को सुनिश्चित करें। नकल और क्लेविस का लॉक होना अथवा स्क्रू कपलिंग का ढंग से कपल होना दोनों को सुनिश्चित करें। कपलिंग को सुनिश्चित करने के बाद यू शेप सेफ्टी क्लैंप को ठीक प्रकार से लगाना सुनिश्चित करें।